Good morning students, welcome back to the e-learning classes of Learners Academy English School. Today we are going to study subject English, unit number 5, Funny Bunny. Children, in this video we will see a story and we'll try to understand the meaning of this story. So starting with, one day a nut fell on Funny Bunny. Ek din ek nut, matlab it's a type of fruit which fell on Funny Bunny. Ouch! The sky is going to fall. अब Funny Bunny को क्या लग रहा है कि sky जो है वो गिरने वाला है. क्यों ऐसा लग रहा है? क्योंकि उसके ऊपर एक nut गिर गया. Okay? Said Funny Bunny. I must tell the king. अब Funny Bunny ने क्या बोला कि मुझे किंग को बताना चाहिए कि आसमान गिरने वाला है. ऑन द वे ही मेट हनी पेनी. अब उसके रास्ते में जब वो किंग को बताने जा रहा था, Funny Bunny कौन रास्ते में मिल गया उसको? हनी पेनी. द स्काई इज़ गोइंग टू फॉल, सेड Funny Bunny. अब Funny Bunny ने क्या बोला हैन को, हनी पेनी को, कि जो आसमान है वो गिरने वाला है. आई एम गोइंग टू टेल द किंग. अब हनी पेनी को क्या बोला Funny Bunny ने कि मैं ये किंग को बताने जा रहा हूँ. आई विल कम टू, सेड हनी पेनी. अब हनी पेनी ने क्या बोला Funny Bunny को कि मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ. एंड ऑफ दे वेंट टू फाइंड द किंग. और वो किंग को ढूंढने चले गए. सुन दे मैट कॉगी लॉकी. और रास्ते में चलते चलते उनकी मुलाकात किससे हो गई? कॉक से, जिसका नाम था कॉकी लॉकी. द स्काई इज गोइंग टू फॉल, सेड Funny Bunny. अब Funny Bunny ने उसको क्या बोला कि स्काई गिरने वाला है. आई एम गोइंग टू टेल द किंग. और मैं ये किंग को बताने जा रहा हूँ. आई विल कम टू, सेड कॉकी लॉकी. और कॉकी लॉकी ने क्या बोला कि मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ. एंड ऑफ दे वेंट टू फाइंड द किंग. और वो तीनों साथ में चले गए कहाँ? किंग को ढूंढने. कौन कौन? एक Funny Bunny, एक हनी पेनी और एक कॉकी लॉकी. अब तीन जनों का ग्रुप बन गया है और वो किंग को मिलने जा रहे हैं और उनको ये बताने जा रहे हैं कि द स्काई इज़ गोइंग टू फॉल, आसमान गिरने वाला है. ऑन द वे दे मेट लकी डकी. अब रास्ते में उनको कौन मिलता है? लकी डकी, एक डक है. ओके. द स्काई इज़ गोइंग टू फॉल, सेड Funny Bunny. Funny Bunny ने क्या बोला? ये स्काई गिरने वाला है. आई एम गोइंग टू टेल द किंग. उसने बोला कि मैं ये किंग को बताने जा रहा हूँ. आई विल कम टू, सेड लकी डकी. अब लकी डकी ने भी बोला कि मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ. एंड ऑफ दे वेंट टू फाइंड द किंग. और वो चले गए किसको ढूंढने? किंग को ढूंढने. And on the way they met Pussy Boozy. अब रास्ते में उनको कौन मिल जाता है? Pussy Goozy. Okay. The sky is going to fall, said Funny Bunny. I am going to tell the king. अब उसको भी क्या बोला Funny Bunny ने कि the sky is going to fall और मैं ये king को बताने जा रहा हूँ. I will come too, said Pussy Boozy. अब वो उसने क्या बोला कि मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ. And off they went to find the king. अब ये कितने जने हो गए? तीन से चार और पांच जने हो गए. वो क्या करने जा रहे थे? वो किंग को बताने जा रहे थे the sky is falling. And off they went to find the king. और वो सब साथ में चले गए किसको ढूंढने? किंग को ढूंढने. ऑन द वे
दे मैट वॉक्सी फॉक्सी। अब रास्ते में उनको कौन मिल जाता है? वॉक्सी फॉक्सी। द स्काई इज गोइंग टू फॉल, दे ऑल सेड। अब फॉक्स को सबने मिलकर बोला कि द स्काई है वो गिरने वाला है। वी आर गोइंग टू टेल द किंग, और हम सब साथ में मिलके ये किंग को बताने जा रहे हैं। द किंग लिव्स हियर, सेड वॉक्सी फॉक्सी। अब उनको वॉक्सी फॉक्सी ने क्या बोला कि किंग यहाँ पे ही रहता है। फॉलो मी, मेरे पीछे आओ। एंड दैट वॉज द एंड ऑफ फनी बनी, हैनी पेनी, कॉगी लॉगी, लकी डकी एंड पूजी गुजी। और वो सारे के सारे उस जगह पे एंड हो गए थे। चिल्ड्रन, नाउ आई होप दैट यू अंडरस्टूड द स्टोरी। ओके, सो लेट अस सी सम न्यू वर्ड्स। नट, नट इज टाइप ऑफ अ फ्रूट जो एकदम हार्ड सब्सटेंस वाला होता है। नेक्स्ट वर्ड इज आउच। आउच इज एन एक्सप्रेशन, जब भी हमको लग जाता है तो हम क्या बोलते हैं? आउच। नेक्स्ट वर्ड इज मेट। मेट मतलब मिलना। मीट का ये पास्ट टेंस होता है, MEET। मीट मतलब मिलना, इट्स अ प्रेजेंट टेंस। और उसको मेट मतलब MEET, जो मिल चुके हैं, उसका होता है पास्ट टेंस। नेक्स्ट वर्ड इज आई एम। आई एम मतलब मैं। नेक्स्ट वर्ड इज आई विल। आई विल मतलब फ्यूचर टेंस, मैं ये चीज़ करूँगा। द नेक्स्ट वर्ड इज ऑफ। ऑफ मिस चले जाना। नेक्स्ट वर्ड इज वी आर। वी आर मतलब हम सब। चिल्ड्रन, नाउ आई होप दिस न्यू वर्ड्स आर ऑल्सो क्लियर टू यू। एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स देन ऑल योर डाउट्स विल बी क्लियर इन द डाउट्स क्लियरिंग सेशन। टिल देन विल बी मीटिंग इन द नेक्स्ट वीडियोज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।